50% टैक्स लगेगा तो 10 लाख से ज्यादा में 30% का यहाँ पर टैक्स लगेगा, यानी इससे टैक्स पेयर को सालाना 12,500 रुपए की बचत होगी। मिडिल क्लास, हालांकि सबसे पहले धन्यवाद भी दिया यहाँ पर पीयूष गोयल ने कि इस बार जिस तरह से टैक्स ईमानदारी से पे किया गया है, किस तरह से राहत मिली और किस तरह से देश को इससे फायदा हुआ है। उसके बाद अगर राहत मिली है तो सबसे ज्यादा मिडिल क्लास को टैक्स स्लैब। और चलिए अब सीधे रुक करते हैं सीआईआई ऑफिस का, वहां पर मौजूद हमारे सहयोगी विमल कोठारी, उनसे बात करते हैं। विमल, सबसे अहम यहां पर टैक्स स्लैब को लेकर जो ये बड़ा ऐलान किया गया है, उसके अलावा भी किस तरह से लोग उम्मीद कर रहे थे और उम्मीदों पर कितना खरा ये बजट उतरा है, आपके साथ भी लोग वहां पर मौजूद होंगे। देखिए, जहाँ तक बजट की बात करें और उम्मीदों की बात करें, जो उम्मीदें इस बजट से थी वो लगभग सभी उम्मीदें पूरी हुई है। इस समय हम सीआईआई के ऑफिस में खड़े हैं जहाँ सीआईआई के झंडे तले काफ़ी सारे उद्योग के लोग और व्यापार के लोग बैठे हुए हैं। हम जैसे सीआईआई के चेयरमैन से बात करते हैं, इस बजट को वो किस तरह से देखते हैं। सर, इस बजट को आप किस तरह से देखते हैं? ये बजट सोशल और इकोनॉमिक दोनों डेवलपमेंट के लिए है। सरकार ने जो 10 साल का अपना विजन दिया है और उसमें क्लियर दिया है कि जो हमारी इकोनॉमी है वो 2.4 ट्रिलियन से अगले 5 साल में 5 ट्रिलियन और उससे अगले 5 साल में 10 ट्रिलियन पहुंचनी है। अकॉर्डिंगली उन्होंने सब सेक्टर्स को इसमें जोड़ा है। जहां तक लेबर और सैलरीड क्लास है, उनका जो एकदम से पूरा टैक्स डबल उन्होंने इनकम टैक्स लिमिट जो बढ़ा दी है, इससे उनके पास अपनी सोशल सिक्योरिटी होगी, उनके पास एक्स्ट्रा पैसा आएगा। एट द सेम टाइम जो इन्होंने कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए जो भी घोषणाएं की हैं, उससे कंस्ट्रक्शन सेक्टर काफ़ी बढ़ेगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। ये बेसिक है। सर, जैसे इसमें आपने जो 10 ट्रिलियन डॉलर्स की बात की जा रही है, लेकिन 2.5 से 10 मतलब 3 गुना बढ़ोतरी, क्या लगता है जो अंतर्राष्ट्रीय मंदी चल रही है और ये सारा माहौल बिगड़ा हुआ, उसके अंदर इतनी बड़ी ग्रोथ हो पाएगी? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय रिक्वायरमेंट दोनों अलग अलग हैं। हमारे यहाँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स की अभी बहुत ज़रूरत है और उस पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी गवर्नमेंट काफ़ी पैसा लगाएगी। सर, इसमें जैसे सोलर एनर्जी की बात करें, सोलर एनर्जी को लेकर के इस बार बजट में काफ़ी कुछ प्रावधान किए गए हैं, क्या आपको लगता है जो वैकल्पिक ऊर्जा के विकल्प तलाशे जा रहे हैं और पेट्रोल और कच्चे तेल के आयात के ऊपर जो नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है, क्या इससे वास्तव में इकोनॉमी को बूस्टअप मिल पाएगा? नहीं, ये तो बहुत बड़ा बूस्टअप है। देखिए, अगर आज हमारा सबसे क्रूड ऑयल का इंपोर्ट घट जाए और हमारी इलेक्ट्रिकल कार्स जैसे बात की आ जाए, इलेक्ट्रिक ट्रेन सारे इलेक्ट्रिक से चले, बसेज हमारी इलेक्ट्रिक से चले, तो फिर तो ये कहना ही क्या है, उसमें तो फिर निश्चित रूप से बूस्ट होने का। हमारा मैक्सिमम तो क्रूड ऑयल इम्पोर्ट में और इसी में पैसा जा रहा है, जो हमारे देश में 30% तो क्रूड ऑयल खुद ही पैदा कर रहे हैं। थोड़ा तो हमारा क्रूड का खुद का प्रोडक्शन बढ़े और कुछ हमारे रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन बढ़ के और हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन जो है रिन्यूएबल एनर्जी से चले, तो इससे तो बहुत बड़ा बूस्ट है। और ये विजन भी है इनका, क्योंकि ये 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी की जो 8 साल में 2.4 से बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वो इन्हीं सब से होगा, ये सब चीज़ें आने से ही होगा। और वैसे सभी क्षेत्रों में जैसे फार्मर्स को भी खूब इसमें बूस्ट किया गया है, छोटे फार्मर्स को किया है, खास तौर से सैलरी क्लास को वर्कर्स को इतना प्रोत्साहन मिला है इससे और इतना इसमें रोजगार की उपलब्धियाँ मिली है। आने वाले टाइम में इनकम टैक्स को ऐसा कर दिया कि नई इंडस्ट्री लगाएंगे तो किसी भी लेवल पे हम जा सकते हैं, लेकिन हमारा इनकम टैक्स रेट 25% ही रहेगा। तो ये सब बातें अपने आप में कुल मिला के बहुत ही एक ऐसा बजट है जो उत्साहवर्धक है, और इससे मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ कि देश की उन्नति जो है बिल्कुल सामने नजर आ रही है। सर, आप जैसे प्रॉपर्टी सेक्टर की बात करें, प्रॉपर्टी सेक्टर काफ़ी लंबे समय से डाउन चल रहा था और इस बार बजट में प्रॉपर्टी सेक्टर को लेकर काफ़ी कुछ बूस्टअप करने की कोशिश की गई है। जैसे मकान को खरीदने की बात करें, 2 मकान लेने की बात करें, एक हाउसिंग लोन रेंट और अलाउंसेस की बात करें, तो आपको क्या लगता है इससे कितना बूस्टअप हो जाएगा? देखिए, प्रॉपर्टी सेक्टर में काफ़ी समय से डिमांड नहीं थी, तो मतलब स्ट्रेस थी। सो इस प्रोविज़न आने के बाद लोगों का रुझान थोड़ा मकान खरीदने की तरफ लोग एनकरेज होंगे, और जैसे कि इनकम टैक्स का अभी पर्टिकुलरली डेवलपर्स पे भी काफ़ी स्ट्रेस था, जो वो 1 साल का अनसोल्ड इन्वेंट्री थी उसको सरकार ने कहीं ना कहीं रियलाइज़ किया है कि वो 1 से 2 साल उस पे रेंट नहीं लगेगा, तो बिल्डर्स को थोड़ी ब्रीदिंग स्पेस मिलेगी, वो अपनी इन्वेंट्री को बेच पाएंगे सही तरीके से, क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी परेशान थे। फिर ओवरऑल रियल एस्टेट सेक्टर को जो बेनिफिट मिलेगा
उससे ओवरऑल इंडस्ट्री और सारी चीजें बेनिफिटेड होंगी। जहां तक बजट की प्रतिक्रिया की बात करें, बजट की सीधी और सपाट प्रतिक्रिया स्टॉक मार्केट ने हाथ के हाथ ही दी है। जैसे ही कुछ अनाउंसमेंट हुआ था उसके बाद में स्टॉक मार्केट एक्सम से 400 पॉइंट के आसपास चला गया, जो इस बात का इंडिकेशन दे रहा है कि इंडियन इकोनॉमी को यह बजट काफी तेजी देगा। बिल्कुल लौटेंगे आपके पास विमल, क्योंकि